सो एवरीवन, अभी जो रिक्वायरमेंट का डिटेलिंग आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, ये जो कंपनी है ये बिस्कुट कंपनी है और बिस्कुट कंपनी में अभी रिक्वायरमेंट निकले हुए हैं। मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास में आते हैं ऑलमोस्ट हम वन स्टेप करके सब कुछ समझाते हैं। लाइक दिस, कंपनी कैसा है, कंपनी क्या फैसिलिटी देती है, कंपनी क्या सैलरी देती है, कंपनी कब सैलरी देती है, कंपनी में क्या काम होता है, एवरीथिंग हम सब कुछ आपके साथ में एक्सप्लेन करते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी भी कॉन्टेक्ट नंबर में शो कर रहा हूँ, उस कॉन्टेक्ट नंबर में विदाउट इन्फॉर्मेशन के कॉल लगाने लगते तो प्रॉब्लम्स होता है। आई थिंक मैं आपको बोलता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप देखना, तो आप स्टेप बाय स्टेप जरूर देखना ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दे मेरे भाई। लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, चार्जेस नहीं लगते, एंड लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो चलिए, यहां पर जो कंपनी है मैरीगोल्ड बिस्कुट कंपनी है, आपको भी पता है मैरीगोल्ड बिस्कुट कंपनी कितना ब्रांडेड कंपनी है। कोलकाता लोकेशन में ये जॉब्स होने वाला है। पोस्ट है हेल्पर का, पैकिंग हेल्पर, बिस्कुट पैकेजिंग हेल्पर का, मिक्सिंग हेल्पर का, देखो ऐसे समझ सकते हो कि फैक्ट्री हेल्पर का आपका काम होने वाला है। यहां पर जो आपका काम है फैक्ट्री हेल्पर के ही होने वाले है। फैक्ट्री हेल्पर में आपका जो यहां पर टोटल पोस्ट नीडेड है 50 कैंडिडेट नीडेड इन दिस जॉब, 50 लोगों की जरूरत है इसमें। और ड्यूटी जो होंगे आपको पता ही, ऑलमोस्ट जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम होते हैं 12 आवर्स की शिफ्टिंग होती है और ओनली डे ड्यूटी है, नाइट का इसमें प्रोसेस नहीं है, रोटेशनल शिफ्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड है, क्योंकि अगर आप रोटेशनल शिफ्ट करते हो तो अगर आप नए हो तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, आप बीमार पड़ते हो, लेकिन ओल्ड लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो नए हैं, जो काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ओनली डे ड्यूटी है, 12 घंटे काम होने वाले हैं। और क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस जॉब, अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के। तो यहाँ पर एजुकेशन नहीं मांगा गया है, क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस जॉब्स। एंड यहाँ पर मैं बता दूँ आपका एज लिमिटेशन 40 ईयर्स मैक्सिमम है, 18 ईयर्स मिनिमम है। 18 से 40 साल तक की आप हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं बताऊँ लोकेशन की, तो लोकेशन हुगली कोलकाता लोकेशन में जॉब्स होने वाला है, हुगली कोलकाता में। बट आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर सोचते हो कि इस लोकेशन में आके काम करें, इतने डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको रहने के लिए रूम फ्री में कंपनी दे रही है, खाना आपको खुद से देखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको रहने के लिए रूम कंपनी दे रही है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के, तो 12 आवर्स ड्यूटी के, 26 डेज वर्किंग इन ए मंथ के जो सैलरी मिलेंगे वो आपको 12,000 रुपये मंथली बेसिस है। ये PFESI कटने के बाद होगा सैलरी, 12,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेंगे। आफ्टर देन एक्सपीरियंस आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा, पोजीशंस भी इंक्रीज होंगे, आपका सब कुछ इंक्रीज होगा, लेकिन जब आप उस कंपनी में अच्छे खासे एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तब, नहीं तो आपका हमें नहीं लगता कि आपका पोस्ट इंक्रीज होगा एंड कुछ भी इंक्रीज होगा। जब आप किसी भी कंपनी में टाइम एक्सपेंड करते हो, समय देते हो, तो आपका जाहिर सी बात है कंपनी प्रमोशंस भी करती है, सैलरी भी इंक्रीज करती है, एंड एवरीथिंग। तो आपको क्या करना है, अभी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करने, बात करना है और डायरेक्टली जॉब्स के लिए जाना है। सो यहां पर आपको एक बात बता दूं, जितने भी जॉब्स हमारे चैनल पे आते हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्लेसमेंट एजेंसी ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड, आप गूगल पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, आएंगे तो उनका ऑफिस है, उसमें विजिट करोगे, डायरेक्ट ऑफिस में विजिट करना बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर आपको और 10-15 प्रकार के जॉब्स दिखाए जाएंगे, जिसमें पसंद उसमें कर लो। तो ऑफिस विजिट एक बार जरूर करें, कॉन्टेक्ट नंबर पर जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके मन में डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के स्क्रीन पे है। चलिए मिलते हैं कोई नई इंफॉर्मेशन लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।